आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के नौरिया बाजार थाना के सरैडी में नाबालिग के साथ गैंग रेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग रेप मामले में मुखिया के बेटे समेत 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विक्रम पासवान, अरविंद सिंह, मनदीप पासवान, पप्पू पासवान का नाम शामिल है, जबकि 2 अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पलामू पुलिस छापेमारी कर रही है। अष्टमी के दिन पलामू के नौरिया बाजार थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का मेला देखकर वापस लौट रही 2 नाबालिगों के साथ 6 आरोपियों ने गैंगरेप किया। घटना के बाद रविवार की शाम पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले का निपटारा करने और दबाने को लेकर 2 दिनों तक पंचायत भी हुई। दरअसल अष्टमी के दिन दोनों नाबालिग सवारी गाड़ी से मेला देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन रात होने के चलते सवारी गाड़ी से गाँव जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नाबालिग पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक स्कूल के पास 6 आरोपियों ने दोनों नाबालिगों के साथ गैंगरेप किया। इस घटना के आरोपियों में स्थानीय मुखिया का बेटा भी शामिल है। पुलिस टीम के द्वारा रविवार को पूरी रात छापेमारी की गई, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि अभी भी 2 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। प्रेस वार्ता कर पुलिस उपाधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। नौडिया से पप्पू यादव की रिपोर्ट। बीते 11 तारीख को नौडिया थाना क्षेत्र में रात्रि करीब 2 बजे 2 किशोर भाई की लड़कियां जब रात्रि 2 बजे दुर्गा पूजा का प्रोग्राम देकर अपने घर वापस जा रही थी, इसी बीच सुनसान जगह को देखकर कुछ युवकों द्वारा उन्हें रोककर उनके साथ दुष्कर्म की घटना घटित किया गया था, जिस संबंध में दिनांक 13 तारीख को पिता के चाची के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत कांड को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 6 में से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अन्य लोगों की पहचान कर ली गई, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।